अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। एक बार और लगाकर देखूं फोन। फोन ही नहीं उठा रहा कोई इस नंबर से। क्या करूं? पता दिया हुआ है। एक काम करती हूँ, इस दिए हुए पते पर जाकर खुद मलिष्का से मिल लेती हूँ, यही सही रहेगा। ये रहा फोन और ये बात है पूनम, इतनी सजदज के कहां जा रही हैं आप? और ये काला चश्मा क्यों लगाया है? मोती बिंदु हुआ है क्या? प्रतीक के पापा, कुछ ज्यादा ही मजाक नहीं उड़ाने लगे आजकल मेरा आप? मतलब मुझे मोतियाबिंद क्यों होगा? क्यों? मैं किसी के मुंडन में जा रही हूँ। मुंडन में? ऐसे मतलब? हाँ ऐसे जा रही हूँ प्रतीक के पापा, जूही के लिए एक अच्छा सा रिश्ता ढूंढने जा रही हूँ मैं। चार औरतें होंगी वहाँ, सभी ऐसे सज धज कर आएंगी। अब अगर खुद बनठन के रहोगे तभी तो दूसरों की नजर भी पड़ेगी ना आप पर। हाँ वो तो सही है, लेकिन जूही तो अभी पढ़ रही है, थोड़ी समझदार होने दीजिए उसे। रूही की तरह बहुत बचपना है उसमें। खैर मेरे लिए एक अच्छी सी चाय बना दीजिए। इन्होंने तो फंसा ही दिया, कैसे जाऊं उस अमीर लड़की से मिलने? महाजी आप क्या कह रहे थे बाहर? क्या कह रहा था? आप अच्छे से जानते हैं कि मैं किस बारे में बात कर रही हूं। नहीं मुझे नहीं पता, साफ साफ कहो। हाँ तो साफ साफ मैं ये कहना चाहती हूँ कि आपने ऐसा क्यों कहा कि आप मुझे बचाने के लिए हमेशा नहीं होंगे। तो रूही मैं क्या कहता कि तुम गिरती रहो और मैं सुपरमैन की तरह आके तुम्हें बचाता रहूं हर बार हमेशा? नहीं नहाजी, मेरा ये मतलब नहीं था। तो क्या मतलब था? नहाजी मैं खुद को संभाल सकती हूँ और मैं संभाल लूंगी, लेकिन लेकिन एक सेकंड, लेकिन आपका साथ मुझे हमेशा चाहिए। आप ये नहीं कह सकते कि आप नहीं होंगे। हाँ क्या मतलब था तुम्हारा? कुछ नहीं, आप नहीं समझेंगे। नहीं समझू? ऐसा क्या बोल दिया मैंने? जोई बेटा, मुझे तुझसे जरूरी काम है, प्लीज मेरी मदद कर दे। दादी अभी मैं बहुत बिजी हूँ, पढ़ाई कर रही हूँ, अभी नहीं कर सकती मैं। दादी एक बात बताओ, घिंचक बन के आप जा कर रहे हो? बड़े सुंदर लग रहे हो। थैंक यू। अच्छा सुनना, मुझे तुझसे बहुत जरूरी काम है, मुझे ना किसी के घर जाना है, तब तुम जाने नहीं दे रहे। पर दादी किसके घर जाना है आपको? अरे किसके घर जाना है, कैसे जाना है, वो सब मैं तुझे बताऊंगी रास्ते में। अभी तू चल, चल कर अपने दादू को बोल कि तुझे कॉलेज प्रोजेक्ट के लिए कुछ सामान खरीदना है। हम चलेंगे। नहीं 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 दादी, मैं दादू से झूठ नहीं बोल सकती, सॉरी। वाह बेटा, पार्टी में जाने के लिए तो सौ सौ झूठ बोल जाती हो और इस समय राजा हरिश्चंद्र बन रही हो। क्या बोला आपने? ठीक, पढ़ाई में ध्यान दो, गाने सुनने की जरूरत नहीं है। आई बड़ी राजा हरिश्चंद्र बन। इस पहले के तेरे दादू मुझे रोक ले, जल्दी चल राजा, जल्दी आ जा।
जूही, इसे अच्छा हुआ जो हमारा प्लान कामयाब हो गया। जूही, तेरे प्रोजेक्ट के बहाने मुझे भी तेरे दादू ने बाहर जाने की इजाजत दे दी। अब पर दादी, हम जा कहाँ रहे हैं? पी नहीं बता सकती इसे कि मैं पिंकू के लिए वो मंदिर वाली लड़की से मिलने जा रही हूँ, वरना ये खाम खाम बवाल मचाएगी। अब तुझे क्या करना, तो चलना चल। रिक्शा, ऑटो, 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 बैठ। भैया, इस एड्रेस पर ले चलिए। हाँ तो रोहित बेटा, आज खाने में तुमने क्या बनाया? पापा जी, आज मैंने नहीं, मम्मी जी ने खाना बनाया है। आज खाने में आपकी पसंद का पालक पनीर, दामाद जी, माँ जी, आप लोगों के लिए मनपसंद दाल तड़का, और अपनी समर नहार तुम लोगों के लिए गट्टे की सब्जी, और हाँ, सबका मनपसंद गाजर का हलवा। अरे वाह, आज तो माँ ने खाना बनाया, वो भी हम सबका फेवरेट गाजर का हलवा। सोनी, खाना तुमने अकेली नहीं क्यों बनाया? रूही कहाँ थी? दादी जी, माँ जी, रूही के लिए अपने बहन से बात करना खाना बनाने से ज्यादा जरूरी था, इसलिए रूही ने आज पूरे दिन की छुट्टी ले ली। सोनी जी, अगर रूही अपनी बहन से बात कर रही थी तो इसमें परेशानी क्या है? ठीक है रतन जी, रूही ने सिर्फ बात नहीं की, चुगली भी की। मम्मी जी, वो मैं चुगली नहीं कर रही थी, वो मैं। हाँ रूही, तुमने कोई चुगली नहीं की है, ना तुमने चुगली की है, ना मेरी अलमारी छानी, ना मुझ पर कोई आरोप लगाया, सब कुछ अपने आप हो गया, क्योंकि मैं ही गलत हूँ ना। जब भी खाना शुरू करो, इनका ड्रामा शुरू हो जाता है। अब खाना खाऊं या ये ड्रामा खत्म होने का इंतजार करूं? बस सोनी, सच कहूँ ना तो गलती रूही से ज्यादा तुम्हारी ही है। मैंने जब तुम्हें बहू चुनने के लिए कहा था, तब मेरा मतलब ये था कि अच्छी तरह समझदारी से देख परख करके चुनना। अब जब तुमने बहू चुनने में गलती की है, तो भुक तो अपनी गलती। अब देखिए मन सुंदर दंगल प्ले पर टीवी से पहले।